हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि आप लोगों को करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को कैसे करना चाहिए। इससे पहले मैंने एक स्टैटिक जीके के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आपको स्टैटिक जीके को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक जीके के अंदर जो 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं वो 5 से 10 मिनट ही आपको एग्जाम में लगाने होते हैं और 5-10 मिनट में आप उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल रहा होगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी काफ़ी अच्छा वेटेज होता है। 10 से लेकर 20 से 22 क्वेश्चंस तक आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आपको अच्छे से करने की ज़रूरत है, पर उसके लिए आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है। अगर आप स्मार्टली पढ़ेंगे तो आप करंट अफेयर्स में भी काफ़ी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है अपनी प्रिपरेशन के वक्त। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। इसके अलावा आपका जब प्री एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद में स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए मैं एक कोर्स लॉन्च करूंगा जो YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके प्री एग्ज़ाम के होते ही हम एक बैच लॉन्च कर देंगे। अगर आपको एक आइडिया लेना हो तो आप प्रकाश बैच और सफलता बैच लेकर देख सकते हो। उसकी एक क्लास आप लेकर देखोगे, आप आइडिया लग जाएगा कि एक स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन जो है वो हम कैसे करते हैं। तो अभी के लिए हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एसएससी स्टेनोग्राफर में पूरे एक साल की करंट अफेयर्स आती है, तो आपको एक साल का करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लेना है। पर हाँ, आपका सिलेबस काफ़ी वास्ट है तो एक साल का सिलेबस जो है आप इजीली तो कवर नहीं कर सकते। आप हर चीज़ को रट्टा नहीं मार सकते, एग्जाम टाइम पर आपको रिकॉल करने में भी दिक्कत होगी। इसलिए आपको करना क्या होता है, आप जितना भी पढ़ रहे हैं आप उसको अच्छे से 4 से 5 बार रिवाइज कर लें, जिससे आपको एग्जाम टाइम पर रिकॉल करने में दिक्कत ना हो। रिवाइज करना है, रट्टा कुछ भी नहीं मारना है आपको। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इसके अलावा आपको वही चीज़ें पढ़नी होती है जो एग्ज़ाम में आज तक पूछी गई है। इसका मतलब कि जो एग्ज़ाम में आज तक आया है प्रीवियस ईयर से अभी तक जितने भी क्वेश्चंस, जिस हिसाब के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं आपको वही चीज़ें पढ़नी है। बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा डीप में जाकर पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे हर चीज़ का रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को ये सब नहीं करना है, आपको ये देखना है कि आज तक किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस टाइप के बेसिस पर ही आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को करना चाहिए। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है, इसके लिए आप लोगों को पिछले 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर के सेट्स उठाने हैं। उन सेट में आपको करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको निकाल करके उनको एनालाइज करना है कि उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो किस टाइप के आए हैं। जैसे 2020 के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि हु वॉज द करंट इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन के आया था, आपको इसका आंसर देना था। आपको क्या करना है कि आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है कि जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो पूछे गए हैं, मतलब इंडिया की टॉप मोस्ट पोस्ट के ऊपर जितने भी लोग हैं उनके नाम जो है वो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो आपको उसको अपने जो है लिस्ट में एड ऑन कर लेना है कि आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। दूसरा एक क्वेश्चन आया था कि विंग कमांडर अभिनंदन को कौन सा अवार्ड मिला है, मतलब जो अवार्ड्स भी हैं, जो इंपॉर्टेंट लोगों को अवार्ड मिल रहे हैं वो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पर अब इसमें एक चीज़ सोचने वाली ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, आपसे डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मतलब कि जो विंग कमांडर अभिनंदन है वो कहाँ पर गए, कहाँ पे उनके साथ क्या हुआ, ये सब नहीं पूछा गया है। आपसे डायरेक्टली पूछा गया कि अवार्ड कौन सा मिला है। तो एक तरह से आपको ये सोचना है, ये एनालाइज करना है कि क्वेश्चन जो है किस पॉइंट पे, किस चैप्टर से, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अवार्ड्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, सिक्योरिटी एडवाइजर मतलब कौन सी पोस्ट पे कौन है, ये इसमें कौन किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ये एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर के सेट से। उसके बाद में आप लोगों को अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। अब आपको ये तो पता चल गया है कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपने अपने एनालिसिस से निकाल लिया है कि आपको ये टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट करने हैं। पर ये सवाल अब उठता है कि आपको कहाँ से टॉपिक्स को पढ़ना है। टॉपिक्स के लिए आपको कुछ सोर्सेस की ज़रूरत है। सबसे पहली तो बुक एक अच्छा सोर्स है, पर आज की डेट के अंदर आपको बुक खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ ऑनलाइन आपको मिलती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।
पर हाँ, अगर आप बुक से फेमिलियर हैं, बुक में कंफर्टेबल है, तो आप मंथली मैगजीन खरीद सकते हो। पर स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा डेटा जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, वो भी सिस्टमेटिक अरेंज हुआ हुआ। तो अब दो सोर्सेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इन दो सोर्सेज के अलावा आपको तीसरा कोई भी सोर्स पे नहीं जाना है, क्योंकि जितने भी बच्चों ने आज तक एग्जाम निकाला है या फिर जितने भी बच्चों ने टॉप किया है, वो अपने सोर्सेस को काफी लिमिटेड रखते थे। उन सोर्सेस को वो पूरा अच्छे से 5 से 6 बार रिवाइज कर लेते थे, और उसी के बेसिस पे उनका एग्जाम जो है वो निकल जाता था। बहुत सारे बच्चे टॉप भी करते थे। तो आपको ये चीज जो है वो अपने दिमाग में रखनी है कि आपको ज्यादा सोर्सेस नहीं रखने। मैं आपको दो सोर्सेस बता रहा हूँ, इन दो सोर्स के अलावा आपको कहीं पे भी नहीं भागना है। तो सबसे पहला सोर्स है अड्डा 247। इसकी एक करंट अफेयर्स की सेक्शन बना हुआ है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। इसके ऊपर जा करके आप करंट अफेयर्स को मंथली रिवाइज कर सकते हो। मंथली सेक्शन में आपको हर मंथ का जो है करंट अफेयर्स दिख जाएगा, जैसे अगस्त 2023, जुलाई 2023, इस टाइप से जो है इन लोगों ने अरेंज कर रखा है। आप वहां पर जाकर के अच्छा आसानी से जो है एक्सेस कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे आपको अवेलेबल हो रखा है। दूसरा सोर्स है अफेयर्स क्लाउड। सिमिलरली अड्डा 247 की तरह अफेयर्स क्लाउड पे भी आपको पूरी करंट अफेयर्स सिस्टमेटिकली मंथली अरेंज हो रखी है। वहां पर जाके आप मंथली उसको एक्सेस कर सकते हो। वहां पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये दो सोर्सेज हैं, इन दो सोर्सेज को आप जितना हो सके उतना रिवाइज करिए। 5 से 6 बार अगर आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर लोगे तो ना तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ना ही आपको दिक्कत आएगी एग्जाम में रिकॉल करने में। सो ये सब आपको पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है। एक बार मैं आपको वापस से रिकॉल करा देता हूँ कि हमने आज क्या सीखा है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के 4-5 सेट से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को निकाल करके एनालाइज करना है कि आपको कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने हैं। दूसरा, आपको अफेयर्स क्लाउड और अड्डा 247 पर जा करके मंथली करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ना है। तीसरा, आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, इन सारी चीजों को रिवाइज करना है। तो ये 3 स्टेप्स के अंदर आप अपनी करंट अफेयर्स के अंदर काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट देते रहना है एग्जाम होने तक। आप जैसे एग्जाम से 4-5 महीने पहले देखें, तो आप 4-5 महीने पहले तो वीकली 2 मॉक टेस्ट दीजिए। अगर एग्जाम के आप पास में आ चुके हैं तो डेली एक एक मॉक टेस्ट लगाते रहिए, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है, आपके मार्क्स जो है वो कैसे आ रहे हैं करंट अफेयर्स के सेक्शन के अंदर। सो ये चीजें आपको फॉलो करनी है अपनी करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी के अंदर। इसके अलावा कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो हर बच्चा करता है, मोस्टली बच्चे करते हैं, और उनका सिलेक्शन इन मिस्टेक्स की वजह से नहीं होता। तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है अगर आप करंट अफेयर्स के सेक्शन में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। सबसे पहली मिस्टेक जो बहुत बच्चे करते हैं, जो कॉमन मिस्टेक है, कि सब कुछ रिवाइज करने की जगह वो सब कुछ रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। आपको कुछ रट्टा नहीं मारना, आपको मेमोराइज कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ रिवीजन पर फोकस करना है। एग्जाम टाइम पर जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा और सामने 4 ऑप्शंस आपको दिखेंगे, अपने आप आपको रिकॉल हो जाएगा अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा। तो रिवीजन पे आपको फोकस करना है, रट्टा मारने पर फोकस नहीं करना है। दूसरी मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं, ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, कि बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा टाइम डिवोट कर देते हैं। कुछ बच्चे तो 2-2, 3-3 घंटे तक न्यूज़पेपर में ही पड़े रहते हैं, न्यूज़पेपर के वीडियोस देखते रहते हैं। ये चीज आपको नहीं करनी है। करंट अफेयर्स में 40 मिनट से लेकर 1 घंटा मैक्स आपको डिवोट करना है एक दिन के अंदर। इससे ज्यादा टाइम आप मत लगाइए, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा पार्ट है जिसके अंदर कभी भी आप फुल स्कोर नहीं कर सकते। इसलिए आपको इसके अंदर टाइम भी ज्यादा डिवोट करने की जरूरत नहीं है। आपको स्मार्टली 1 घंटा डिवोट करना है। 1 घंटे के अंदर आपसे जितना हो सके उतना आप कवर कर लीजिए मंथली मैगजीन से या मंथली पीडीएफ से जो आपको अफेयर्स क्लाउड और अड्डा 247 पर मिलती है। इसके अलावा जो आपके पास टाइम बचता है उसके टाइम पर आपको दूसरे सेक्शंस पे इंग्लिश और रीजनिंग पर फोकस करना चाहिए। इसके अलावा एक मिस्टेक बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं कि वो अपना कोई भी शेड्यूल नहीं बनाते। उनको कोई भी वीडियो दिख जाता है, कोई भी उनको पीडीएफ भेज देता है, किसी भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उसमें से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ने लग जाते हैं। आपको ये नहीं करना, आपको एक अच्छा सा शेड्यूल बनाना है। मैं उस शेड्यूल के अंदर आपको 1 वीक का टारगेट सेट करना है। जैसे कि आपने 1 वीक के अंदर टारगेट सेट किया कि आपको अगस्त और जुलाई का करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है, तो आप उस 1 वीक के अंदर 6 दिन के अंदर उस
2 महीने का करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़िए और लास्ट के 7वें दिन मतलब संडे को उन सारों को रिवाइज कर लीजिए। ये एक शेड्यूल बना करके चलिए, शेड्यूल से आप अगर चलेंगे तो आप अपनी प्रिपरेशन का एक डायरेक्शन सेट कर सकते हो। आप अगर 1 तारीख को पढ़ रहे हो तो आपको 31 तारीख तक अपने आप पहले से ही पता होगा कि इस दिन तक मैं इतना पोर्शन कवर कर लूंगा। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है, ये मिस्टेक्स जो है वो आपको नहीं करनी है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। इसके अलावा आपके पास जितना भी टाइम बचता है आपको अपना टाइम रीजनिंग और इंग्लिश के सेक्शन को देना चाहिए। इंग्लिश का काफ़ी अच्छा वेटेज है, 90+ स्कोर बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों ने आज तक किया भी है। तो इंग्लिश के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें 90+ आप कैसे स्कोर कर सकते हैं, मैंने उसकी एक स्ट्रैटेजी शेयर करी है। तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल रहा होगा, उसको आप वहां से देख सकते हो। इसके अलावा जब आपका प्री एग्जाम हो जाएगा उसके जस्ट बाद मैं आप लोगों के लिए ग्रेड सी और ग्रेड डी की प्रिपरेशन के लिए बैच लॉन्च करूंगा। एग्जाम्पल के लिए आप प्रकाश बैच और सफलता बैच की एक क्लास लेकर देख सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड गुड बाय।